हाँ यूट्यूब अदील आपकी खिदमत में अपने उसी सेगमेंट के साथ खरगोशों के साथ खरगोशों की अपडेट आप तक पहुंच चुकी है, पहुंच रही है फर्दर फर्दर, और आने वाली बाकी की वीडियोस में आपको और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करता रहूं। मेरे एक दोस्त का सवाल है अंगोरा के बारे में कि अंगोरा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। वो अंगोरा का फार्म लगाने जा रहे हैं और अंगोरा का की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने इसी पर सोचा कि जब मैंने अंगोरा की इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं सारे व्यूवर्स को अपने पहुंचाऊं, क्या पता कल को कौन और जो है वो अंगोरा के ऊपर काम करे। अंगोरा के फार्म का मतलब क्या है? अंगोरा का फार्म दो पर्पस पे यूज़ होता है। अंगोरा एक खूबसूरती के लिए यूज़ होता है, मतलब आप एज अ लाइफ स्टॉक बेचते हैं खूबसूरती के लिए। दूसरा जो है अंगोरा वो इस्तेमाल होता है वुल के लिए, मतलब ऊन के तौर पर, मतलब उसके फर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ ऊन, मतलब आप उसके स्वेटर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो ऊन की बनती हैं। जैसे हम लोग सर्दियों में स्वेटर बनाते हैं तो हम ऊन का बनाते हैं, वो ऊन जो है वो अब अंगोरा का भी इस्तेमाल होता है, ऊन वुल। तो अंगोरा का फर जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। फर का मतलब उसके बाल जो होते हैं, उसके बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मैं उर्दू में आ जाता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आ पा रहा होता, तो इस वजह से मैं उर्दू में आ जाता हूँ। ऊन का मतलब उसके बाल, और उसके बाल का मतलब वो जो जिससे ऊन बनता है, तो उसके बालों के लिए इस्तेमाल होता है। अंगोरा के बाल जो है वो बहुत तेज़ ग्रो करते हैं। अंगोरा बेसिकली जो है वो एक बहुत छोटा जानवर होता है, अगर आपने अंगोरा रखा हुआ है किसी ने भी, तो देखने में तो बड़ा लगता है ये साइज़ उसका, अंगोरा का ये साइज़ होगा क्योंकि अपने बालों की वजह से तकरीबन 3-3, 4-4 इंच के उसके बाल होते हैं बड़े बड़े। और लोग जो खूबसूरती के लिए पालते हैं उसके बालों को और ज़्यादा बड़ा करते हैं, उसको शैम्पू करते हैं, हेयर ड्रायर मारते हैं, वो एकदम टेडी बियर बन जाता है, टेडी बियर टाइप का बन जाता है, बहुत फ्लफी टाइप का। लेकिन अगर आप उसको पकड़ेंगे तो वो इतना सा है, लेकिन बालों की वजह से वो इतना बड़ा हुआ हुआ है। तो अंगोरा के बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और तकरीबन 3 इंच 4 इंच तक, इसके 5 इंच तक बाल इसका जाता है। तो अंगोरा का जो हिसाब किताब होता है, तकरीबन आपको जिसने अंगोरा का फार्म लगाना है, देखें रैबिट की टेक केयर तो सेम है सबकी, रैबिट की टेक केयर, रैबिट सारा एक ही है। रैबिट की डाइट का कंट्रोल करना है, ब्रीडिंग भी करानी है उसको, उससे और ब्रीड लेनी भी है, सब कुछ करना है। अंगोरा में सिर्फ एक ये स्पेशलिटी आ जाती है कि उसके बालों का कंट्रोल भी करना है। बालों का कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने उसके बालों को तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने में उसके बाल जो है वो बहुत 2-2 इंच के हो जाते हैं, तकरीबन 1-1.5 महीने में 2 महीने में उसके बाल जो है वो 1.5-2 इंच के हो जाएंगे, तो उसके बालों को लाजमी काटना है। दूसरी चीज़, ब्रीडिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अंगोरा में, वो सिर्फ किस लिए? उसके बालों की वजह से, क्योंकि उसके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, स्पेशल सॉरी ऑर्गन्स बोल रहे हैं, स्पेशल पार्ट जो है जिसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो पार्ट्स स्पेशल बॉडी के यूज़ होते हैं, वो बालों में इतने होते हैं, अगर आपने बाल छोड़ दिए समझ लें 2-2 इंच के बाल हैं, तो वो ब्रीडिंग सही से कर नहीं पाता। तो उसके लिए सिर्फ ये होता है कि उसके नीचे के जिस्म के नीचे के जो बाल हैं उनको ज़रा देख के आप काटिए, क्योंकि उसके स्पेशल पार्ट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको कैंची चलानी है तो देख के चलाइए। एक चीज़ और इसके साथ मैं ऐड कर दूँ कि अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे अंगोरा के वुन के बारे में, मतलब बालों के बारे में कि बाल कैसे निकाल रहे हैं, तो वो बड़ी बेदर्दी है। वो अंगोरा को लिटाते हैं, उसके टांग बांध दिए, हाथ बांध दिए, उसके कान पकड़े, उसके बालों को पकड़ के खींचते हैं खींचते हैं, उसमें अंगोरा चीखता बहुत है, क्योंकि सीधी सी बात है तकलीफ़ है, तकलीफ़ में खरगोश चीखता है, तो चीखता है चीखता है। और दूसरी चीज़ एक तकलीफ़ दे रहे हैं यार आप जानवर को, ये गलत है, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं उसके लिए आपको प्रिफेयर करूँगा कि जैसे आप भेड़ के या दुम्बे के बाल जो हैं मशीन से कटते हैं, उस तरह से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल टाइप की मशीन है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनें आती हैं वो खुद चलती हैं, आपने सिर्फ फेरनी होती है, उस तरह की अगर आपको मशीन आपने फार्म डाला तो वो मशीन लाजमी लीजिए और उसके ज़रिए उनके बाल उतारिए। लेकिन सीने के जो बाल हैं, जो नीचे के बाल हैं, उनको बड़ी एहतियात से उतारना है, क्योंकि स्पेशल पार्ट्स वहाँ पे मौजूद है। अगर फीमेल है तो फीमेल के स्पेशल पार्ट्स पूरे सीने पे और उसके नीचे मौजूद हैं, और मेल है तो नीचे खाली मौजूद है, तो उस जगहों की सफाई करते हुए थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। तो मैं वहाँ पे प्रेफर करूँगा कि जो आपने ब्रीडिंग के लिए रखे हैं उनको आप कैंची से करें, और फीमेल की आपको नीचे के बालों के सीने के बालों को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेचुरली कुदरत की तरफ से खरगोश जब भी ब्रीडिंग के लिए जाता है, बच्चे देने के लिए जाता है, बेटा है मेरा, लीव इट प्लीज़ लीव इट, जब भी बच्चे देने के लिए जा रहा होता है तो वो अक्सर वो हमेशा अक्सर नहीं हमेशा बाल जो है वो अपने सीने के बाल नोचता है। सीने के बाल नोचने से उसको कुदरती तौर पर है, ये नेचुरली है कि एक तो बाल उसको सीने से नोचना आसान होता है, एक सीने से बाल नोचना उसको आसान होता है, दूसरा ये कि बच्चों को दूध पिलाते वक्त उसके निपल्स जो हैं वो
ओपन हो जाते हैं, जब बाल उतार लेता है तो निपल्स क्लियर होते हैं तो बच्चे आराम से दूध पी लेते हैं। अंगोरा को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसके बाल काफ़ी होते हैं, वो नोचता तो है सीने पे से, लेकिन अगर रह गए हैं तो आप उसको लाजमी काटें अगर ब्रीडिंग के लिए लेके जा रहे हैं। बहरहाल, और अंगोरा की एक एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि अंगोरा गर्मी और सर्दी के मौसम में, देखिए अंगोरा गर्म इलाकों में, मेरा सवाल जो मेरे दोस्तों का है, गर्म इलाकों में अगर पंजाब में वो रहते हैं इंडिया के, तो गर्म इलाकों में क्या अंगोरा पाला जा सकता है? बिल्कुल कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि देखिए मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि गर्मी के जो टाइम होता है वो 2 महीने का होता है पीक गर्मी, उस 2 महीने में अंगोरा को गंजा रखिए, उसके बाल काटते रहिए, मतलब उसके बाल बढ़ने ना दीजिए, उसको गंजा रखिए उस 2 महीने में। सर्दियों के टाइम में, सर्दियों का पीक का टाइम जो है वो 2 महीने का है, तो उस 2 महीने में उसके बाल मत काटिए ताकि वो सर्दी से बचा रहे, गर्मी में बाल काटिए ताकि वो गर्मी से बचे, और सर्दी में बाल ना काटिए ताकि वो ठंड से, सर्दी से बचे। तो ये इसका हेल्थ है। बाकी अंगोरा की नस्लें बहुत सारी मौजूद हैं, अंगोरा की नस्लें आप जिस अंगोरा की नस्ल को पालना चाहें पालिए, मैं फिर इसमें यही कहूँगा कि यार प्योर ब्रीड पे रहिएगा, मिक्स ब्रीड की तरफ नहीं जाइएगा और ना ही हाईब्रिड की तरफ आइएगा, प्योर ब्रीड पे काम कीजिएगा, प्योर ब्रीड में आपको प्रॉब्लम कम से कम है। अंगोरा का सिर्फ प्रॉब्लम जो है उसके बालों का है, अगर आपने उसके बालों को सही से टेक केयर किया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बस सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं है। फार्म के अंदर आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अंगोरा को, क्योंकि फार्म में आपके पास लागत नहीं, सी बात है मैन पावर भी होती है, फिर आपने सिर्फ एक मशीन लगाई हुई है तो उसके बाल उतार लिए आपने, तो आपको इजी रहेगा। बस सिर्फ गर्मी में आपने ये ख्याल करना है कि गर्मी जो 3 महीने 4 महीने की गर्मी है, पीक तो गर्मी 2 महीने की है, लेकिन जो 3 4 महीने की गर्मी शुरू होती है तब से उसके बाल हर महीने के महीने काट कट काटना है ताकि वो गंजी रहे, उसको गर्मी जो है रिएक्ट ना करे, और इस टाइम के अंदर गर्मियों के 2 महीने के अंदर उसको ब्रीडिंग पे मत लेके जाइए, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा जॉब ना दीजिए, बाल उसके काटते रहिए, उसको एक्स्ट्रा जॉब ना दीजिए, बस दैट्स ऑल। सर्दियों में 3 से 4 महीने, मतलब 3 महीने पहले की सर्दी, 2 महीने पहले सर्दी शुरू होती है, 2 महीने पीक हो गई और 2 महीने पहले शुरू हुई, या 1 महीने पहले शुरू हुई और 1 महीने आखिर का, तो बीच में 2 महीने पीक के, तो 4 महीनों में उसके बालों को छोड़ दीजिए, मतलब 4 महीने से पहले जो है आपने बाल काटे थे और वो जब गर्मी, अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो उसके बाल बढ़ना शुरू है, आपने छोड़ दिए, 2 महीने पूरे गुजरे, तीसरा महीना गुजरना आधा रह गया या ख़त्म पे आ गया, आपको दिख रहा है सर्दियाँ ख़त्म है, बाल उतार दीजिए। तो दोस्तों ये थी खाली अंगोरा के बारे में इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा बाकी और कोई इतनी ख़ास नहीं है। अंगोरा के अंदर प्रॉब्लम का रेशो कम है, अंगोरा को एलर्जिक और ख़ारिश की प्रॉब्लम जो है वो कम आती हैं बनिस्बत दूसरे खरगोशों के, क्योंकि आप इसके फ़र काट रहे होते हैं और इसकी स्किन जो है वो इजीली हो रही होती है, तो अंगोरा को बाकी प्रॉब्लम्स बहुत कम से कम आती हैं। अंगोरा को सिर्फ प्रॉब्लम जो होती है उसके बालों की वजह से होती है, अगर आपने बाल उसके काटे नहीं वक्त पे तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी, गंद मतलब उसके बाल उसके नीचे रगे हुए हैं, बाल जो उसके नीचे के हैं वो पेशाब कर रही है तो उसके बाल उसके बालों में गंदे हो रहे हैं, पॉटी कर रही है तो उसके बालों में अटक रहा है, और उसके बाद उसको डिजीज़ और प्रॉब्लम शुरू होगी। तो बस सिर्फ बालों का ख्याल करना है एज सच, उसके अलावा और कुछ नहीं है अंगोरा में, और फर में इसका अच्छा काम है, अच्छा काम कर सकते हैं आप फर के अंदर, और बहुत सक्सेसफुल है, और चमड़ा भी इसका चलता है, इसका लेदर भी इस्तेमाल होता है, इसका लेदर भी बहुत काम का है क्योंकि इसका फ़र बड़ा होता है। तो दोस्तों ये थी अपडेट अंगोरा के बारे में, और मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो दोस्तों लिखिए, उसका जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एज़ ऑलवेज़ अस्सलाम वालेकुम।